वेलकम गाइस, आई होप यू आर वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टिल लव फैमिली। तो कैसे हो मेरे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। देखिए, मैंने आप लोगों को बोला था कि ये बताना कि ये महीना आप लोगों का कैसा रहा। कई सारे बच्चों ने काफी अच्छे से इस चीज को एक्सप्लेन किया कि हाँ, किस तरीके से उन्होंने अपनी जिंदगी में चेंज किया है। और देखिए, ये जो चेंज होता है ना, ये अगर इतना ही आसान होता है तो हर एक इंसान कर लेता। इसमें टफ होता है चीजों को चेंज करना, जो आदतें आप लोग फॉलो कर रहे हो उसको बदलना। तो इसलिए अगर आप लोग अपनी पुरानी आदतों को बदल पा रहे हो तो थम्स अप है यार आप लोगों को, क्योंकि सबके बस की बात नहीं होती है। और अगर आप लोग नई आदत अगर आप लोग लेकर आ पा रहे हो तो डबल थम्स अप है, क्योंकि ये फिर से सबके बस की बात नहीं होती है। तो इसलिए जिंदगी में अगर आप लोग कुछ भी ऐसा कर रहे हो जो कि एक नॉर्मल इंसान नहीं कर पा रहा है, तो आप लोग अपनी जिंदगी में बड़ी ही सही डायरेक्शन में चल रहे हो। तो ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। तो बात की गई कि महानता कभी न गिरने में नहीं है, बल्कि हर बार गिरकर उठ जाने में है। अगर आज आप लोगों ने टेस्ट लगाया और आप लोगों के नंबर अच्छे नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे दोस्त, कल लगाना, कल फिर ट्राई करना, परसों फिर ट्राई करना। जब तक ये नंबर इंप्रूव ना हो जाए तब तक आप लोगों को ट्राई करते रहना है। और जिंदगी में आप लोगों ने नॉर्मली कहावतें भी सुनी होगी कि यार, एक रस्सी होती है ना, अगर वो पत्थर पर लगातार रगड़े, एक तरीके से रगड़ती रहती है तो उस पत्थर पर निशान बना देती है वो रस्सी, उसको काट तक देती है। एक बूंद अगर पानी की किसी पत्थर पर आप लोग डालते रहो तो वो बूंद जो है ना उस पत्थर में गड्ढा बना देगी। तो इतनी ज्यादा पावर होती है कंसिस्टेंसी में। अगर आप लोग कंसिस्टेंसी को समझ पा रहे हैं तो ये आप लोगों को इतनी ज्यादा पावर देती है कि उसके कंपेयर में कोई भी चीज नहीं है जो कि आप लोग उसको कंपेयर कर सकते हैं। तो इसीलिए बोला जाता है कि जिंदगी में हमेशा आगे बढ़ते रहना है, कभी भी रुकना नहीं है। और उसका सही तरीका यही होगा, जब आप लोग अपने टारगेट को फोकस रखोगे, अपने गोल को फोकस रखोगे, और फालतू की जो भी चीजें आप लोग के इर्द गिर्द आप लोगों को देखने को मिल रही हैं उनसे आप लोग मुंह मोड़ लोगे, साइड में रखोगे। तो यही चीजें हैं जो जिंदगी में आप लोगों को सही डायरेक्शन में लेकर चलती है। बाकी किस तरीके से आप लोग चीजों को लेकर चल रहे हो, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं। आज का ये लेक्चर काफी इंटरेस्टिंग रहेगा, ये पूरे सप्ताह का निचोड़ है, जो भी आप लोगों ने डिस्कस किया है, जो भी आप लोगों ने देखा है, जो भी आप लोगों ने सुना है SLV चैनल के ऊपर, आप लोगों के सामने उससे रिलेटेड क्वेश्चन में लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, ये जो क्वेश्चन होंगे इनको देखिएगा, देखने के बाद में आप लोगों को वीडियो को पॉज करना है, वीडियो को पॉज कर आप लोग उन क्वेश्चन का आंसर करेंगे और इसके बाद में आगे बढ़ेंगे। ये पैटर्न आप लोगों को फॉलो करके चलना है। अगर ढंग से आप लोग इसको इंप्लीमेंट कर पाते हो तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है, काफी कुछ आप लोग यहाँ पर सीख कर आगे बढ़ोगे। ठीक है, तो ये बेसिक चीज है जो कि आप लोगों को यहाँ पर फॉलो करते हुए चलनी है। क्वेश्चन आते ही फिर से बोल रहा हूँ कि पहले रुक कर एक बार देखिएगा, उसके बाद में आगे बढ़ना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आने जा रहा है। तो कंप्यूटर जी, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाइए। कौन बनेगा करोड़पति नहीं है, पर हाँ, क्वेश्चन के बाद में आप लोग देखिएगा कि बेसिकली बताना कि कैसा रहा बेसिकली डिस्कशन और कितने मार्क्स आप लोगों को देखने को मिले। एक क्वेश्चन जो होगा वो 2 मार्क्स का होगा, तो इससे आप लोग अंदाजा लगा लेना। और नेगेटिव मार्किंग होगी 1/3, तो उससे आप लोग देख लेना कितने आप लोग सही हुए, कितने गलत और कितनी नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। काफी इंटरेस्टिंग और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और काफी फेवरेट क्वेश्चन है ये एग्जामिनर का, जो कि कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि हमारे संविधान के तहत आप लोगों ने देखा है कि पंचायती राज सिस्टम आज के में आप लोग इंप्लीमेंट करते हैं, पर ओरिजिनली ये संविधान में नहीं था, बाद में इसको संविधान में डाला गया। उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है यहाँ पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग जो कमेटी है उसने रिकमेंड किया कि कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस देना चाहिए पंचायती राज सिस्टम, यानी कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को आप लोग को संवैधानिक एक दर्जा देना चाहिए, यानी कि संविधान में उसके अंदर लिखना चाहिए, संविधान में उसके बारे में। तो कौन सी कमेटी थी जिसके द्वारा ये बातें बोलेगी? ए में बोला गया है बलवंत राय मेहता कमेटी, बी में बोला गया है अशोक मेहता कमेटी, सी में बोला है जीवी राव कमेटी, और डी में बोला है यहां पर LM सिंघवी कमेटी। तो सही आंसर यहां पर क्या होगा? ABCFD। तो आप लोग क्वेश्चन का आंसर दीजिए, उसके बाद में आंसर देखना और उसके बाद में आप लोग एक्सप्लेनेशन देखना, इससे लंबे समय तक आप लोग चीजों को याद रख पाओगे अगर ये पैटर्न फॉलो करके चलोगे। तो आंसर देखते हैं क्या है, आप लोगों ने अटेम्प्ट कर लेना, अब आंसर देखिएगा। आंसर है यहां पर डी। सारा एक बार ओवरव्यू आप लोगों को यहां पर बता देता हूं। ओरिजिनली हमारे संविधान में ये नहीं लिखा है कि ओरिजिनली हमारे संविधान में पंचायती राज सिस्टम नहीं था, पर आप लोगों को पता है संविधान का जो आर्टिकल 40 है, आर्टिकल 40 कहां पर आता है? ये आता है आप लोगों का DPSP में, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो कि पार्ट 4 है संविधान के अंदर में। इसमें आर्टिकल 40 आप लोगों को बात करता है कि हमारी बेसिकली कंट्री में पंचायती राज सिस्टम जैसा कोई स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमारी कंट्री में जो भी गवर्नमेंट आई उसने सोचा कि यार पंचायती राज सिस्टम बनाया जाए, तो उसके चलते चलते हम लोग आगे बढ़े। तो बलवंत राय मेहता कमेटी, इसी का एक प्रोडक्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा, फिर अशोक मेहता कमेटी, फिर जीवी राव कमेटी, और फिर है LM सिंघवी कमेटी। तो LM सिंघवी कमेटी थी ऐसी कमेटी, उसको लगा कि यार अगर संविधान में पंचायतें हम लोगों ने नहीं रखी तो कल को कोई भी
गवर्नमेंट आएगी और उठाकर उल्टी सीधी चेंज करेगी पंचायती राज सिस्टम के साथ में और ढंग से इंप्लीमेंट नहीं करेगी, तो बहुत सारे इश्यूज यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो उसी के चलते यहाँ पर ये बातें की गई कि हाँ यार संविधान में होना चाहिए। संविधान में रखने का मतलब क्या है? अब आप लोगों को अगर उसके अंदर चेंज करना है, अब आप लोगों को उसके अंदर अमेंडमेंट करना है, अगर आप लोगों को उसके अंदर संशोधन करना है, हालांकि तीनों के तीनों सब देखी है ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ पर एक 2/3 यानी कि स्पेशल मेजोरिटी के साथ में काम करना पड़ेगा, आसानी से चेंज नहीं कर पाओगे। तो पंचायती राज सिस्टम इसलिए ढंग से इंप्लीमेंट किया गया और बलवंत राय मेहता कमेटी का कॉन्सेप्ट था कि 3-tier पंचायत होनी चाहिए, एक होनी चाहिए विलेज लेवल पर, एक होनी चाहिए ब्लॉक लेवल पर और एक होनी चाहिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। तो ये कॉन्सेप्ट दिया गया बलवंत राय मेहता जी के द्वारा। तो हालांकि अगर बात करें अशोक मेहता जी के द्वारा 2-tier सिस्टम के बारे में बात की गई थी, वो अलग बात है, पर लेकिन यहां पर इनके द्वारा 3-tier सिस्टम के बारे में बात की, जो मैक्सिमम एरिया में आप लोगों को हमारी कंट्री में देखने को मिलता है। तो पंचायती राज सिस्टम आप लोगों को समझ में आ गया, पूरा आंसर आप लोगों ने अच्छे से दिया। अब आप लोगों को ये बनाया पंचायती राज डे जो है वो किस दिन हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिए ठीक है। आगे चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हालांकि ये क्वेश्चन जो है मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं, पर लेकिन ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए मेरा एक तरीके से नहीं फर्ज बनता है कि आप लोगों को यहां पर क्वेश्चन की फॉर्म में बताया जाए। 73rd अमेंडमेंट किया गया 1993 में और एक प्रैक्टिकल सेव देने की बात की गई किस आर्टिकल को, यानी कि आप लोगों को मैंने बताया अभी हमारी कंट्री में 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था 1993 में ठीक है। तो ये जो यहाँ पर सिस्टम निकल कर आता है इसका बेसिक पर्पज क्या था कि हमारी कंट्री में यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर संविधान बेसिकली इंप्लीमेंट किया गया प्रॉपर वे में, जो कि एक आर्टिकल में लिखा था कि पंचायत होनी चाहिए। तो कौन सा है यहाँ पर आर्टिकल 39, आर्टिकल 34, सॉरी आर्टिकल 40, आर्टिकल 44, आर्टिकल 45, तो अनुच्छेद दे हैं यहाँ पर 39, 40, 44 और 45। सही आंसर क्या है ए बी सी एफ डी ये आप लोगों को बताना है। तो सही आंसर यहां पर क्या हो गया, सही आंसर हो गया यहां पर बेसिकली इसका बी यानी कि आर्टिकल 40। अब आप लोगों को कुछ को कंफ्यूजन हो गया होगा माइंड में कि सर आपने तो 70 यहां पर ये 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बताया था कि 1992 में है, यहां पर 93 में लिखा हुआ है, आखिर ऐसा क्यों हो गया ठीक है। तो ये भी आप लोगों को कंफ्यूजन में दूर किए देता हूं। देखिए हमारी कंट्री में जब 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया वो 1992 में किया गया था, पर लेकिन ऐसा नहीं है कि जैसे संविधान में संशोधन होता है हम लोग उसको इंप्लीमेंट कर देते थे। इंप्लीमेंट किया गया था वो अगले साल, और जो इंप्लीमेंट किया गया था ये 24 अप्रैल 1993 में उसको इंप्लीमेंट किया गया था। तो इसलिए यहां पर 1993 लिखा हुआ कि प्रैक्टिकल सेप कब आया, जब हम लोगों ने इसको इंप्लीमेंट किया। तो दोनों में कंफ्यूज मत होना, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी के साथ में 24 अप्रैल को हम लोग पंचायती राज डे के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं। तो जो 24 अप्रैल को पंचायती राज डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं ये किस साल से हम लोगों ने सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया, तो ये भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनता है। तो ये हम लोगों ने 2010 से सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया। तो ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आप लोग याद रखिएगा। बाकी पंचायत जो है यहाँ पर ये आर्टिकल 243 से लेकर आर्टिकल 243 ओ के अंदर देखने को मिलेगी, टोटल 29 इनको काम दिए गए करने के लिए ठीक है, कि हाँ ये चीजें होनी चाहिए ठीक है। आर्टिकल 40 से निकाल कर लेकर आया गया और डीपीएसपी के अंदर यहाँ पर यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर आप लोगों को यहाँ पर पंचायती राज सिस्टम देखने को मिलेगा। कहने के लिए क्वेश्चन आप लोगों का एक है ये, पर लेकिन इस क्वेश्चन में से अब तक का कईयों क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। यहां पर किस पार्ट में है पंचायती राज सिस्टम, 9th में है, कौन से आर्टिकल तक है यहां पर 243 से 243 ओ तक का है, कौन से शेड्यूल में है यहां पर 11th शेड्यूल में है, तो पार्ट 9 है शेड्यूल 11 है, कितने सब्जेक्ट है यहां पर 29 है, म्युनिसिपैलिटी में कितने सब्जेक्ट है चलिए आप लोग बताइए। इसी के साथ में यहां पर बात करें तो कौन से आर्टिकल में से निकाल कर लेकर आ गया 40, आर्टिकल 40 कहां पर है, ये डीपीएसपी के अंदर में है, डीपीएसपी में कहां से कहां तक आर्टिकल होते हैं, तो आर्टिकल इस तरीके से पूछा जा सकता है 36 से लेकर 51 तक यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो पंचायती राज सिस्टम कहां पर आता है, गांधीयन प्रिंसिपल के अंदर आता है। तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं ये ऑलरेडी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो क्वेश्चन डिस्कस एक कर रहा हूं वैसे लिखा हुआ, पर लेकिन आंसर आप लोगों को यहां पर कम से कम 10-12 क्वेश्चनों के साथ में दिए जा रहे हैं। तो इसलिए डिस्कशन जो होता है वो इंपॉर्टेंट होता है, और एग्जामिनेशन हॉल में जाकर बैठोगे तो यही सारी चीजें आप लोगों को वहां पर घूमती हुई आप लोगों को इर्द गिर्द नजर आएगी। तो इसलिए बेस्ट तरीका है यहां पर प्रिपरेशन करने का कि इस तरीके से चीजों को आप लोगों को लेकर चलना है। आई होप कि आप लोगों के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी आई रही होगी, और अगर कोई भी डाउट हो तो पूछेगा उसके बाद में आगे बढ़िएगा, पर क्वेश्चन देखते ही पहले अटेम्प्ट करना है, उसके बाद में आंसर देखना है ठीक है। क्वेश्चन ये आप लोगों से मैंने डिस्कस किया था, यहाँ पर हमारी कंट्री में अगर बात करें, अगर आप लोग को बेसिकली लोकल लेवल पर फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ाना है तो यहाँ पर कैसे आप लोग लेकर चलोगे। फाइनेंशियल इंक्लूजन को हिंदी बोलते हैं वित्तीय समावेश, यानी कि हमारी कंट्री में जितने भी सिटीजन है उनका अकाउंट होना चाहिए, तो उसके बारे में यहाँ पर बात की जाती है। तो यूपीएससी में यहाँ पर बेसिकली प्रीलिम्स का क्वेश्चन यहाँ पर 2010 में इसको पूछा गया, तो आप लोग अगर कॉमन सेंस यूज करोगे इस क्वेश्चन में तो इस क्वेश्चन का आंसर दे दोगे। बोला गया है यहाँ पर किस में कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, तो ये पूछा गया है ठीक है। तो ये देखिएगा आप लोग यहाँ पर कि सही स्टेटमेंट आप लोगों से यहाँ पर पूछी गई है, तो इसमें से आप लोगों को बताना है। बोला गया नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक, जब हमारी कंट्री में बैंक को नेशनलाइज किया गया तो
तो उसकी वजह से वित्तीय समावेश बढ़ा। दूसरा बोला गया यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ द रीजनल रूरल बैंक, यानी कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का गठन किया गया, तो उससे हमारे देश में वित्तीय समावेश बढ़ा। तीसरा बोला गया एडप्शन ऑफ विलेज बाय द बैंक ब्रांच, यानी कि जो बैंकों की ब्रांच है उनके द्वारा बोला गया ये भाई साहब गांव ना मेरे अंडर में आएगा, तो उसकी वजह से वित्तीय समावेश बढ़ा। तो सही आंसर क्या है यहाँ पर, ए बी सी एफ डी, इसका आंसर आप लोग क्या बोलेंगे, सही आंसर क्या निकल के आएगा, क्वेश्चन का आंसर दीजिए, देखता हूँ सही आंसर क्या है, कॉमन सेंस कितना यूज करते हो आप लोग। यहाँ पर ए में बोला गया 1 and 2, बी बोला गया 2 and 3, सी बोला गया 3 ओनली और डी बोला गया 1, 2, 3। अगर कॉमन सेंस आप लोग यूज करो तो सीधा सीधा बात है, अगर आप लोगों ने थोड़ा सा भी बैंकिंग सिस्टम के बारे में पढ़ा है तो आप लोगों को पता होगा इंदिरा गांधी जी के द्वारा सबसे बड़ा नेशनलाइजेशन का प्रोसीजर बैंक का स्टार्ट किया गया था, यानी कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, उसके पीछे रीजन क्या था, ताकि जो गरीब तबका है सोसाइटी का उसका भी बैंक वहां पर खो, उसका भी बैंक में अकाउंट खोला जा सके, उसका बैंक नहीं उसका बैंक में अकाउंट खोला जा सके, ठीक है। इसके चलते यहां पर ये चीजें आप लोगों को देखने को मिली। फिर बात की जा रही है फॉर्मेशन ऑफ द रीजनल रूरल, गांव वाले एरिया में बेसिकली गांव, अगर आप लोगों को बेसिकली ब्रांचेस बनानी है तो इसका मतलब ये कि गांव में भी चाहते हैं आप लोगों के अकाउंट खुले यहां पर, तो फिर से यहां पर वित्तीय समावेश के बारे में बात की जा रही है। अगर कोई बैंक जो है किसी गांव को गोद ले ले रहा है तो इसका मतलब फिर से आप लोग चाह रहे हैं कि उस गांव में ज्यादा से ज्यादा ब्रांचें खोली जाएं, तो गांव में वित्तीय समावेश पहुंचाने का ये तरीका ढूंढा गया यहां पर, यानी कि सारी की सारी स्टेटमेंट जो है वो सही है और आंसर यहां पर इसका डी हो गया। तो कॉमन सेंस था कि नहीं आप लोग खुद बोले, यहां पर वित्तीय समावेश को पता है अगर आप लोग क्या होता है, फाइनेंशियल इंक्लूजन एक कॉमन टर्म है, अगर इसके बारे में आप लोगों को पता है तो आप लोग को आराम से इसको पढ़ पढ़कर आप लोग बता सकते हैं कि इनका पर्पज क्या होगा। तो इस तरीके के कॉमन सेंस के क्वेश्चन जो है वो यूपीएससी आप लोगों से पूछती है, तो इसलिए बोलता हूं कि कॉमन सेंस को एक तरीके से यूज करना सीखो एग्जामिनेशन हॉल के अंदर में, तो बाकी के प्रॉब्लम के सॉल्यूशन आप लोगों को हाथों हाथ मिल जाएंगे, तो ये जरूरी है बेसिकली ढंग से देखकर, ठीक है। बात की जा रही है यहां पर इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के बारे में, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक जो है प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा लॉन्च किया गया था किस साल में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहां पर, क्योंकि हमारी कंट्री में अब तक पोस्टल सिस्टम जो था वो बेसिकली चिट्ठी पत्र के लिए यूज किया जाता था, कबूतर आ आ वो वाली चीजें थी, पर लेकिन अभी यहां पर उनका बैंक बना दिया तो फाइनेंशियल इंक्लूजन और बढ़ गया। 2016, 2017, 2018 या फिर 2019, तो सही साल क्या है अगर आप लोगों से पूछा जाए किस साल में यहां पर हमारी कंट्री में इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक जो है वो लॉन्च किया गया, आंसर दीजिए आप लोग, फिर मैं आप लोगों को आंसर बताता हूं, तभी आप लोग लंबे समय तक याद इसको रख पाओगे। सही आंसर क्या है, सही आंसर यहां पर सी, मतलब यहां पर ये कि हमारी कंट्री में 2018 में यहां पर इसको लॉन्च किया गया और यहां पर जितने भी पोस्टल एरिया थे यहां पर उनको हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया बैंकिंग सिस्टम में, ताकि अच्छे लेवल पर गांव वाले लेवल पर जहां पर बैंकिंग सिस्टम नहीं है वहां पर भी बैंकिंग सिस्टम पहुंचा सके, क्योंकि किसी भी गांव में बैंक हो सकता है ना हो, पर लेकिन वहां पर आप लोगों को पोस्ट ऑफिस जरूर देखने को मिलेगा। मैं सही बोल रहा हूं या फिर मैं गलत बोल रहा हूं बताइए, आप लोगों के गांव में हो सकता है कि बैंक ना हो पर पोस्ट ऑफिस आप लोगों के बैंक में जरूर, गांव में जरूर होगा, बैंक में पोस्ट ऑफिस जरूर होगा, ठीक है। तो यहां से आप लोग एक अंदाजा लगा सकते हैं, तो कहने का मतलब यहां पर ये कि ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर हो जाता है और इसकी वजह से जो माइग्रेंट लेबर है उनको फायदा पहुंचता है, अनऑर्गेनाइज जो सेक्टर है उनको फायदा पहुंचता है, छोटे छोटे लघु उद्योग कोई बना रहा है उनको फायदा पहुंचाता है, पंचायती राज एरिया में कोई कुछ काम करना चाह रहा है उनको फायदा पहुंचता है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक यहां पर हो जाता है। तो इसके चलते अगर कोई क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लें तो मुझे नहीं लगता है कोई कंफ्यूजन होना चाहिए, काफी प्यारा क्वेश्चन है, आप लोगों को आइडिया होना चाहिए, ठीक है। देखिए फिर से बोल रहा हूं कि देखते रहिएगा कितने क्वेश्चन आप लोगों के सही हैं, तो इससे आप लोग अंदाजा लगा पाएंगे कि आप लोगों ने कितने अच्छे से चीजों को पढ़ा है, ठीक है। तो इससे आप लोग लंबे समय तक अपने अंदर कॉन्फिडेंस भी पाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बात की जा रही है स्टेटमेंट आप लोगों यहां पर कंसिडर करनी है और ये बात की जा रही है यूनिसेफ के बारे में, तो कौन सी स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है ये आप लोगों को बताना है। बोला गया कि ये फाउंड किया गया था 1945 में विद यूएनओ, ठीक है। दूसरी स्टेटमेंट है यूनिसेफ जो है ओरिजिनली इसको यूनाइटेड नेशन, ये इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड बोला जाता था, पर लेकिन अब इसको यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड बोलते हैं। तीसरी स्टेटमेंट है यहां पर जो एजेंसी है यहां पर ये ऑफ द यूनाइटेड नेशन, ये रेस्पॉन्सिबल है प्रोवाइड कराने के लिए ह्यूमैनिटेरियन और डेवलपमेंट जो बेसिकली एड टू द चिल्ड्रन वर्ल्ड वाइड, यानी कि बच्चों के ऊपर जहां भी दिक्कत पड़ती है तो वहां पर ये आ जाते हैं शक्तिमान बनकर, ठीक है, यानी कि उसको बचाने के लिए। तो ये एक तरीके से यूनिसेफ जो है इसको आप लोग बच्चों का शक्तिमान बोल सकते हो, ठीक है। यहां पर इसके बारे में अगर बात की जाए तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ए में बोला गया 1, 2, बी में बोला गया 2, 3, सी में बोला गया 1, 3 एंड डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबव। सही आंसर यहां पर क्या है, ए बी सी एफ डी, वो आप लोग बताइए। क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए अच्छे से, एक ऑर्गेनाइजेशन इसी क्वेश्चन के थ्रू आप लोग अभी कवर हो जाएगी पूरी, ठीक है, जिससे क्वेश्चन आप लोग ये बन सकते हैं तो अच्छे से आप लोग समझ पाएंगे। तो बताइए ए बी सी एफ डी सही आंसर क्या है, बताऊं सही आंसर यहां पर इसका बी, फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्यों अभी देख लेते हैं। ये जो है बी आंसर हो गया यहां पर यूनिसेफ के बारे में, तो फाउंड किया गया था 11 दिसंबर 1946 में, ठीक है, और यहां पर हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क में देखने को मिलेगा जो कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है, और आज के दिन में जो चेयरपर्सन है वो है यहां पर इनके टोर हेटरमैन, ठीक है, टोर हेटरम बेसिकली बोल सकते हैं आप लोग यहां पर। इसका पूरा नाम देखिए, इंटरेस्टिंग चीज आप लोगों को यहां पर ये देखने को मिलेगी, इसका पूरा नाम आज के दिन में हम लोग यूनिसेफ बोलते हैं, पर लेकिन इसकी फुल फॉर्म क्या है यहां पर, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड,
यानी कि इसका पूरा नाम जो है वैसे यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड था, पर लेकिन यहां पर क्या किया गया, इसका ये नाम तो चेंज कर दिया गया पर शॉर्ट फॉर्म ये रखी, शॉर्ट फॉर्म इनको पसंद आ गई तो बोले यही रखने भाई साहब शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड नाम चेंज कर दिया गया पर शॉर्ट फॉर्म यूनिसेफ वाली ही चल रही है। ये एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की जो कि रेस्पॉन्सिबल है बच्चों की हेल्प करने के लिए। तो यहां पर ये जो स्टेटमेंट है यहां पर यूएनओ के साथ में यहां पर नहीं है, तो ये स्टेटमेंट यहां पर गलत है, ठीक है। 1945 में यहां पर बनाया गया, तो यहां पर ये 1946 में यहां पर बनाया गया, इस तरीके से आप लोग यहां पर इसको देखते हैं तो डेट यहां पर आप लोगों को गलत देखने को मिलेगी। तो आंसर यहां पर इसका बी हो गया, ठीक है। तो कोई भी कंफ्यूजन माइंड में नहीं होना चाहिए क्वेश्चन को लेकर, आंसर बी हो गया, पूरी एक ऑर्गेनाइजेशन भी आप लोगों की कवर करा दी, ठीक है। यूपीएससी 2010 में क्वेश्चन पूछा गया और रेगुलर अगर आप लोग डिस्कशन सुन रहे हैं तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर आप लोग बड़ी आसानी से दे पाओगे। जगह का नाम बताया गया है और यहां पर पर्टिकुलर एक पर्टिकुलर जो जीव जंतु है उसके बारे में बताया गया कि नॉर्मली कहां पर पाए जाते हैं। पहले बोला गया भितरकनिका जो कि उड़ीसा के अंदर में, बोला गया सोल्ट वाटर क्रोकोडाइल पाए जाते हैं यानी कि लवण जल मगरमच्छ, भितरकनिका उड़ीसा के अंदर में। दूसरा बोला गया डेजर्ट नेशनल पार्क राजस्थान में, तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड यहां पर पाए जाते हैं, तो ये बेसिकली बोला गया। तीसरा बोला गया यहां पर इराकुलम केरला के अंदर में, यहां पर बोला गया यहां पर हुलुक किबन पाए जाते हैं, एक तरीके बंदर होते हैं, तो यहां पर बोला गया। तो सही आंसर यहां पर गया। देखिए ये दोनों स्टेटमेंट तो आप लोगों को नॉर्मली पता होगी, फर्स्ट और सेकंड जो है ये इतना ज्यादा न्यूज में है, कई बार तो मैंने आप लोगों से डिस्कस किया है। भितरकनिका नेशनल पार्क यहां पर बेसिकली सोल्ट वाटर क्रोकोडाइल, तो यहां पर फर्स्ट और सेकंड तो बिल्कुल सही हो गए, तो यानी कि ये और ये तो गया, ठीक है। अब यहां पर अगर आप लोगों को याद है गिबन के बारे में, तो नॉर्मली अगर बात की जाए तो यहां पर ये ऐसे एरिया है जहां पर जैसे एक सदाबहार टाइप के वन पाए जाते हैं, तो यहां पर ये मैक्सिमम आप लोगों को नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में पाए जाते हैं, मैंने आप लोगों को ये बताया था। और यहां पर इन बंदरों के बारे में मैंने आप लोगों को बेसिकली पढ़ाया भी था, हल्का सा एक और भी आप लोगों को दिया था, तो वहां से अंदाजा लगा सकते हैं कोई भी ऐसी जीव जंतु के बारे में बात की जाए तो नॉर्मली नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया से वो आप लोगों को बिलोंग करता हुआ नजर आएगा। तो यहां पर ये स्टेटमेंट बेसिकली गलत होगी। तो आंसर क्या हो गया, आंसर यहां पर बेसिकली आप लोगों को इसका बी देखने को मिलेगा। अब आप लोगों के लिए यहां पर थोड़ा सा होमवर्क मैं आप लोगों को दूंगा, ठीक है, जाकर एक बार इनके बारे में देखिएगा ये कैसे दिखते हैं, ठीक है, ताकि इनके बारे में आप लोगों को आइडिया लग सके और कहां कहां पर और पाए जाते हैं तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि और तरीके से भी क्वेश्चन आप लोगों का एग्जाम में बन सकता है, ऐसा नहीं यही तरीके से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, अलग अलग तरीके से भी क्वेश्चन बन सकता है कि आगे पूछ ले कि ग्रेट इंडियन जो बस्टर्ड है वो किस देश में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में तीन देश के नाम आप लोगों से पूछ ले, तीन या फिर दो देशों के नाम, तो ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है। तो टॉपिक को ऐसे तैयार करो यूपीएससी का क्वेश्चन जो आगे भी किसी भी तरीके से पूछा जाए तो आप लोगों के कंफ्यूजन ना हो माइंड में, ठीक है। ये कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं, अगर आप लोग रेगुलरली इनकी लिस्ट बनाकर चल रहे हो तो ही आप लोग अटेम्प्ट कर पाओगे, वरना अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। जैसे मैंने आप लोगों का एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कराया था जब हम लोग रेगुलर वीडियो डिस्कस कर रहे थे, उसके अंदर में घड़ियाल इसी के साथ में लेदर बैक टर्टल और स्वैम्प डियर बोला गया कौन सा यहां पर इंडेंजर्ड कैटेगरी में आप लोगों को देखने को मिलता है, ठीक है। तो नॉर्मली ऐसी चीजें हैं कि आप लोगों को जो न्यूज में है वही पूछे जाते हैं, ऐसा तो नहीं हवा में किसी को भी चाकर पूछ लेंगे आप लोगों से, तो इसलिए न्यूज जो है वो बैकग्राउंड में बन जाती है आप लोगों का, चाहे इन्वायरमेंट के बारे में बात कर लीजिए, चाहे आप लोग ज्योग्राफी के बारे में, चाहे हिस्ट्री के बारे में, चाहे पॉलिटी के बारे में, तो न्यूज जो है वो आप लोग का बेस प्रोवाइड कराता है हर के लिए। तो ए में बोला गया 1 and 2, बी बोला गया 3, सी बोला गया 1, 2, 3 और डी बोला गया नन, तो सही आंसर क्या है, तो इसका सीधा सीधा आंसर यहां पर सी, यानी कि तीनों के तीनों यहां पर देखने को मिलते हैं। पर लेकिन बात यहां पर 2013 की जा रही है, फिलहाल प्रेजेंट टाइम पर इनकी क्या कंडीशन है, अब ये होमवर्क है आप लोगों के लिए, ये आप लोगों को जाकर सर्च करना है, ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक ही कंडीशन बनी हुई रहे यहाँ पर 10-12 साल तक, हो सकता है कुछ चेंजेस आ गए हो, तो आप लोग इसको एक बार रीवेरीफाई आप लोग कर रहे हैं, ये आप लोग काम दिया गया, ठीक है, तो इसको एक बार आप लोग जाकर जरूर देखिएगा। ये एक ऐसा क्वेश्चन है 2017 में यूपीएससी के द्वारा पूछा गया यहाँ पर, और ये क्वेश्चन जो है ये मैंने आप लोगों को बताया भी था, अभी यहाँ पर इस तरीके से क्वेश्चन आ रखा है, वैसे दूसरी तरीके से भी यहाँ पर ये क्वेश्चन आ चुका है। अकॉर्डिंग टू वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, 1972 का जो हमारी कंट्री का वन्य सुरक्षा अधिनियम जो यहाँ पर 1972 का जो कानून है उसमें बोला गया किस कानून किस जानवर को हम लोग हंट यानी कि शिकार नहीं कर सकते, तो ये बातें यहां पर बोली गई है। पहला बोला गया घड़ियाल, दूसरा बोला गया इंडियन वाइल्ड लाइफ और तीसरा बोला गया वाइल्ड बफेलो। सही आंसर क्या है यहां पर, ए बी सी एफ डी। ए में बोला गया वन ओनली, बी बोला गया 2 and 3, सी बोला गया 1 and 3 एंड डी बोला गया ऑल ऑफ द अबव। तो सही आंसर क्या है यहां पर आप लोगों को ये बताना है। देखिए नॉर्मली अगर बात करें जैसे घड़ियाल है, ऐसा तो नहीं आप लोगों को हर जगह घड़ियाल पड़े पड़े मिल रहे हैं, ठीक है, या इंडियन वाइल्ड ऐसे हैं, ये आप लोगों को गुजरात में एक पर्टिकुलर एरिया है उसका नाम बताना आप लोगों को जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज के जो प्रीलिम्स का पेपर था उसके अंदर भी पूछा गया था ये। तो यूपीएससी घुमा फिराकर इधर क्वेश्चन उधर भी कर देती है कई बार। वाइल्ड लाइफ बफेलो कितना सुना आप लोगों ने, आप लोगों के मोहल्ले पाई जाती है क्या, तो ये सारे वो चीजें जिनके बारे में बहुत ही कम आप लोगों ने सुना है। तो कॉमन सेंस यहां पर ही आती है कि जिनके बारे में कुछ ज्यादा सुना नहीं है तो इसका मतलब ये कि उनको कोई ना कोई प्रोटेक्शन मिल रही होगी, तो कम से कम शिकार करना तो अलाउ नहीं किया होगा इनका, ठीक है, तो इसका मतलब आंसर क्या हो गया, आंसर यहां पर डी हो गया। तो इस तरीके से भी आप लोग यहां पर समझ सकते हैं, वो बोलने लगे आप लोग कौवे का शिकार करना जो है वो इलीगल कैटेगरी में आता है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत आता है, ठीक है, तो ये एक तरीके सोचने वाली थोड़ी बात हो गई यार, कौवे तो बहुत ज्यादा देखने को मिल जाते हैं, हालांकि उनकी भी संख्या आज के डेट में कम होती जा रही है,
तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस भी आप लोग को यूज करना पड़ेगा। अब देखो 2017 में यही क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से पूछ लिया। अभी मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था यहाँ पर क्वेश्चन, अगर आप लोगों को याद होगा ये क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया था कि यहाँ पर नॉर्मली किसके बारे में कि कौन कौन सा कहाँ पर पाया जाता है। जैसे यहाँ पर भितरकनिका नेशनल पार्क में क्या पाया जाता है, तो सोल्ट वाटर क्रोकोडाइल। अगर क्वेश्चन आप लोगों से ये पूछ ले कि सोल्ट वाटर क्रोकोडाइल आप लोगों को देखने हैं तो कहां पर आप लोगों को जाना पड़ेगा, भितरकनिका नेशनल पार्क, डेजर्ट नेशनल पार्क, एर्नाकुलम जो बेसिकली केरला के अंदर में, या कोई और नेशनल पार्क का नाम यहां पर दे दे, तो आप लोग क्या बोलोगे? टॉपिक तो वही है, क्वेश्चन उलट का पूछ लिया। जैसे यहां पर देख लीजिए, अगर घड़ियाल आप लोगों को देखना है नेचुरली कहां पर पाया जाता है तो कहां पर आप लोग जाओगे, भितरकनिका मैंग्रोव, चंबल लेक, चंबल रिवर होगी, पुलकित लेक या फिर दीपोर भील, ये बोला गया बेसिकली स्टेटमेंट आप लोग यहां पर देख सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन जब मैंने आप लोगों को पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि नेचुरली कहां पर पाया जाता है, तो ये आप लोगों को बताया था कि कहां पर चंबल नदी में बेसिकली पाया जाता है, और इनको सुरक्षित करने की भी कई सारी जो टेक्निक खोजी जा रही है ताकि कोई दिक्कतें देखने को न मिले। तो यहां से आप लोग क्या समझते हैं, यानी कि टॉपिक वही है, घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ लिया। तो यूपीएससी दिमाग के साथ में खेलना ज्यादा प्रेफर करती है एज कंपेयर टू गधा मजदूरी करवाना। यूपीएससी क्या चाहती है कि एक सोचने समझने वाला इंसान होना चाहिए जो दिमाग का इस्तेमाल करता हो, ना कि गधा मजदूरी करने वाला इंसान उसको चाहिए। तो ये बेसिक चीजें हैं जो कि आप लोगों को समझकर यहां से चलनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे कोई नदी न्यूज में आ गई तो आप लोगों को पता है यार ये नदी न्यूज में, तो जैसे पूछ लिया कृष्णा रिवर अगर न्यूज में आ रखी है तो उसकी ट्रिब्यूटरी आप लोगों से पूछ लें कौन सी है, तुंगभद्रा, भीमा, वरना या फिर इसके बाद में बात की जा रही दूधगंगा, तो सही आंसर क्या है, ए में बोला गया 1, 2, 3, बी बोला गया 2, 3, 4, सी बोला गया 1, 3, 4, और डी बोला गया ऑल ऑफ द अबव। तो यहां पर जो भी रिवर, सारी रिवर देखिए हमेशा न्यूज में नहीं रहती है, गिनी चुनी कोई 10-15 रिवर आप लोगों को न्यूज में देखने को मिलेगी, ठीक है। अगर उनके बारे में आप लोगों ने डेटा तैयार कर लिया तो ये एक ऐसा क्वेश्चन होता है कि कई सारे लोग इसको नहीं करते हैं और आप लोग क्वेश्चन वहां से बन जाएगा। किसी की ऑलरेडी ट्रिब्यूटरी न्यूज में आ गई तो आप लोग वहां से देखने को मिलेगा। तो इस तरीके क्वेश्चन आप लोग तैयार करके जाओगे तो दूसरे बच्चे के कंपेयर में आप लोग को एज मिल जाएगी। एक क्वेश्चन पे अगर सही कर दिया तो एक क्वेश्चन पे 1000 बच्चे ऊपर नीचे हो जाते हैं जरा सी देर में, ठीक है। तो आंसर डी हो गया, सारी की सारी जो ट्रिब्यूटरी है वो दे रखी है यहाँ पर। बाकी महाराष्ट्र से सतारा है जो बेसिकली महाबलेश्वर, वहां से ये ओरिजिनेट होती है, ये बेसिकली आगे बढ़ती है आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये सेकंड बिगेस्ट रिवर है अगर बात करें गोदावरी के बाद में, ठीक है। इसी के साथ में यहां पर कहां से होकर गुजरती है, तो टोटल 4 राज्य से होकर गुजरती है। कल को चलकर ये भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लेंगे कि कृष्णा रिवर जो है वो कितने राज्य से होकर गुजरती है, तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, इसी के साथ में यहां पर देखने को मिलेगा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। सीधी सीधी बात है, जब यार जाकर बेव बंगाल में गिरेगी और तेलंगाना से आ रही है तो नॉर्मल सी बात है कि आंध्र प्रदेश से तो आएगी आएगी, यहां पर भी कॉमन सेंस लगा सकते हैं, ठीक है। तो बेव बंगाल में जाकर गिर जाती है, निकलती है महाराष्ट्र से और जाकर बेव बंगाल में गिर गई, तो यहां से आप लोग समझ सकते हैं। पैटर्न अगर आप लोगों को नदियों का एक बार समझ में आ गया तो आप लोगों को ये क्वेश्चन पढ़ने और लिखने काफी आसान हो जाएंगे, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया यहां पर, आंसर इसका डी हो गया। क्वेश्चन डिस्कस किया, अब वो क्वेश्चन ऐसे था, अब थोड़ा सा आप लोगों को अलग तरीके से भी क्वेश्चन दिखाया जा रहा है। अगर हो सकता है वही क्वेश्चन अगर इस तरीके से आप लोगों से पूछ ले तो आप लोग क्या करोगे, कृष्णा रिवर के बारे में सही स्टेटमेंट आप लोगों को बतानी है। बोला जा रहा है कि ओरिजिनेट होती है त्र्यंबकेश्वर नासिक से महाराष्ट्र के अंदर में, ये सेकंड बिगेस्ट रिवर है यहां पर गोदावरी के बाद में, और बोला जा रहा है 4 राज्य से होकर गुजरती है। 4 की जगह अगर यहां पर 3 राज्य भी अगर दे दिया जाता कि हाँ ओनली 3 राज्य से होकर गुजरती है, तो एक स्टेटमेंट और आप लोगों की थोड़ी सी टफ बन जाती है। तो करेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है। तो अभी मैंने क्या बताया आप लोग, यहां पर ये त्र्यंबकेश्वर से गुजरती है, क्या नहीं भाई साहब, महाबलेश्वर से गुजरती है, पर नाम सुनने में दोनों एक जैसे लग रहे हैं, तो उस टाइम पर एग्जाम में प्रेशर होगा, एग्जाम हॉल में, क्योंकि प्रेशर कुकर रहता है, अगर तैयारी करके नहीं जाओगे तो नॉर्मल सी बात है माइंड पर प्रेशर पड़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लेंगे घुमा के थोड़ा सा, और आता आता क्वेश्चन भी आप लोग गलत कर दोगे। 99% लोग इसलिए फेल नहीं होते क्योंकि वो पढ़कर नहीं गए, 99% लोग इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वो प्रेशर डील करना नहीं समझ के गए। प्रेशर डील करना और पढ़ना दोनों अलग अलग चीजें होती हैं, आप लोगों को अपने आप को नॉर्मल रखना आना चाहिए, तो ये बातें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो यहां पर क्या होगी, यहां पर ए में बोला गया 1, 2, बी बोला गया 2, 3, सी बोला गया 1, 3, और डी बोला गया ऑल ऑफ द अबव। तो ये तो आप लोगों को बताया दिया, फर्स्ट गलत हो गई और यहां पर ये सही हो गया, तो आंसर सीधा सीधा बी हो गया। डिटेल में भी आप लोगों को एक्सप्लेनेशन यहां पर दिया है, तो वही उसका आंसर आप लोगों को देखने को मिलेगा सेम। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन बन सकता है, क्वेश्चन वही है, थोड़ा सा पलट दिया तो यहां पर सारी चीजें पलट गई। तो इस तरीके से बोलता हूं, चीजों को ध्यान से पढ़ोगे, टॉपिक को ढंग से तैयार करोगे तो एग्जामिनेशन हॉल में कंफर्टेबल फील करोगे, ठीक है। ये यहाँ पर डायरेक्ट एक क्वेश्चन का पूरा टॉपिक आप लोगों यहाँ पर कवर हो जाएगा। हमारी कंट्री में शेड्यूल के बारे में अगर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाए तो बात की जा रही है प्रोविजन टू द एलोकेशन ऑफ द सीट इन द काउंसिल ऑफ जो स्टेट होती है जिसको आप लोग राज्यसभा बोलते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली कहाँ पर मेंशन है ये आप लोगों को बताना है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फिर फोर्थ। तो सही आंसर क्या होगा यहाँ पर अगर मैं क्वेश्चन आप लोगों से पूछूं, तो यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन है कि डिटेल में अगर आप लोग एक्सप्लेनेशन दोगे यहाँ पर इसका, तो आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन एक साथ में तैयार हो जाएंगे। तो उसी तरीके से मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों का एग्जाम में बन सकता है। तो आप लोग इसको अटेम्प्ट कर लीजिए एक बार, फिर आप लोग आंसर देखिएगा, इससे आप लोग लंबे समय तक चीजों को याद भी रख पाओगे, ठीक है।
देखिए यहाँ पर आंसर तो इसका डी हो गया, आंसर डी यानी कि फोर्थ शेड्यूल में। तो फोर्थ शेड्यूल में यहाँ पर बोला गया कि प्रोविजन, यहाँ पर एलोकेशन ऑफ द सीट इन द काउंसिल ऑफ स्टेट, और काउंसिल ऑफ स्टेट को क्या बोलते हैं आप लोग यहाँ पर, इसको बोलते हैं राज्यसभा। ठीक है, तो राज्यसभा के बारे में बात की जा रही है यहाँ पर। फर्स्ट शेड्यूल जो आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये बेसिकली बात करते हैं यहाँ पर हमारी कंट्री में जो यूनियन टेरिटरी और जो बेसिकली यहाँ पर जो स्टेट्स होते हैं, ठीक है, तो उनकी टेरिटरीज के बारे में यहाँ पर बातें की जाती है। सेकंड शेड्यूल में जैसे कि यहाँ पर प्रोविजन रहते हैं, ये गवर्नर के बारे में, स्पीकर के बारे में, या फिर जो भी यहाँ पर हमारी कंट्री में जो डिग्नेटरी है उनके बारे में यहाँ पर प्रोविजन आप लोगों को देखने को मिलेंगे उनसे रिलेटेड। तो यहाँ पर एक तरीके से ये सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर निकल कर आती है, तो इसके बारे में क्वेश्चन बने तो ये सेकंड शेड्यूल में आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, ये बेसिकली नाम भी दे रखे हैं, इनको पढ़ लेना। थर्ड शेड्यूल में यहाँ पर ये रहता है कि ओथ और अफर्मेशन, यानी कि अगर आप लोग अपनी पोजीशन पर जाते हो तो वहां पर ओथ या फिर अफर्मेशन, यानी कि बोलते हैं एक तरीके से याद करने के लिए मैंने बताया था आप लोगों को कि यहाँ पर ओम बोल देना। ठीक है, ओम मतलब तीन बना हुआ है, तीन में से ओम निकाल के लाया गया है। ठीक है, तो यानी कि एक तरीके से ओम 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 इस तरीके से अगर याद रखे तीन बार ओम बोलना, यानी कि तीसरी शेड्यूल में ओथ या अफर्मेशन के बारे में बात की जाती है। फोर्थ बताया गया, फिफ्थ और सिक्स शेड्यूल आप लोग को देखने को मिलेंगे। यहाँ पर कंट्रोल है जो शेड्यूल ट्राइब वाले एरिया का, लेकिन यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, यानी कि एटीएम, एटीएम में मनी नहीं है, मैंने आप लोगों को बोला था ना यहां पर, यानी कि एटीएम में मनी नहीं है, एम मिजोरम और यहां पर बेसिकली यहां पर मेघालय, मणिपुर नहीं है। तो ये याद रखना है, यहां पर याद रखने के लिए आप लोग इसको भूलना मत। सेवन शेड्यूल में यहां पर यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्कन लिस्ट आती है, यानी कि एक तरीके से हमारी कंट्री में यूनियन गवर्नमेंट को जो पावर दे रखी है और स्टेट गवर्नमेंट को जो पावर दे रखी है, और इसी के साथ में कॉन्करेंट यानी कि समवर्ती सूची में इनके दोनों को क्या क्या पावर दे रखी है, ये सातवें शेड्यूल में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। आठवें शेड्यूल यहां पर लैंग्वेजेस के बारे में बात करता है। आप लोगों को पता है हमारी कंट्री में ओरिजिनली 14 लैंग्वेज हुआ करती थी, किसमें, शेड्यूल आठ में, फिर बाद में यहां पर आठ लैंग्वेज और एड कर दी गई, तो आज के में टोटल 22 लैंग्वेज आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये अलग अलग टाइम पर अलग अलग लैंग्वेज यहां पर एड की गई, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों यहां से बन जाएगा। नाइन्थ शेड्यूल में आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा कि एक्ट एंड जो रेगुलेशन है उनके बारे में यहां पर मेंशन कर रखा है। ठीक है, जो एक तरीके से यहां पर 10th शेड्यूल है, काफी इंपोर्टेंट है, इसके ऊपर आप लोग स्टार लगा लीजिएगा, क्योंकि ये एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में बात करता है, यानी कि आया राम अगया राम। तो आप लोगों को पता है हमारी कंट्री में यहां पर अगर बात करेंगे तो ये एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में बात करता है, ताकि जो मुद्दा ये है कि एक तरीके से चीजों को ढंग से इंप्लीमेंट किया जा सके, खासकर एक तरीके से ये क्यों आया यहां पर, तो 1985 में यहां पर आप लोगों को देखने को मिला जब 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया, 52nd संविधान में संशोधन किया गया 52वां, तो उस टाइम पर यहां पर इसको इंप्लीमेंट किया गया, ताकि जो पॉलिटिकल पार्टी टूट कर इधर से उधर भागते रहते हैं उसको रोका जा सके और फिक्स गवर्नमेंट को प्रोवाइड कराया जा सके जनता के लिए, क्योंकि जब भी इलेक्शन होते हैं तो जनता का पैसा वहां पर खर्च होता है। तो ये बातें फोकस यहां पर की गई। 11th शेड्यूल में आप लोगों को देखने को मिलेगा कि पावर, अथॉरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में बात की जा रही है पंचायत। तो मैंने आप लोगों को बताया था थोड़ी देर पहले यहां पर पंचायती राज सिस्टम के बारे में, ठीक है, ये मैंने थोड़े दिन पहले आप लोगों को काफी अच्छे से पढ़ाया था ना पंचायती राज सिस्टम के बारे में डिटेल में, जब हम लोगों ने बातें की थी इसके बारे में। तो यहां से डायरेक्ट आप लोगों को देखने को मिल रहा है कि 11th शेड्यूल में आप लोगों को देखने को मिलेगा पंचायत है, वैसे पार्ट 9 में देखने को मिलेगी। 12th शेड्यूल में यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा म्युनिसिपैलिटी है, ठीक है, और वैसे यहां पर पार्ट 9th ए में आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा जो बेसिकली म्युनिसिपैलिटी है। पार्ट 9th बी में क्या है अगर मैं आप लोगों से पूछूं, याद है ना, कोऑपरेटिव सोसाइटी आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये भी कई बार आप लोग कंफ्यूजन में डाल देते हैं इस क्वेश्चन को, इस तरीके से भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। अगर आप लोगों को नहीं क्लैरिटी होगी तो आप लोग घूम जाएंगे वहां पर, और घूमते ही घूमी घूमी आई क्वेश्चन गया आप लोगों का। तो इस तरीके से यार चीजें थोड़ा सा ध्यान में रखकर अगर चलोगे तो कोई भी डाउट आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगा, और ये ऐसा टॉपिक है जिससे कईयों बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो कल को चलकर फर्स्ट शेड्यूल में क्या है, सेकंड में क्या है, थर्ड में क्या है, फोर्थ में क्या है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई डाउट आप लोगों को होना चाहिए इसके बारे में। तो इसके बारे में थोड़ा सा होमवर्क अब आप लोग और कर लेना। जैसे बोला ना यहाँ पर 8th शेड्यूल में लैंग्वेज है, तो स्टार्टिंग में 14 लैंग्वेज हुआ करती थी यहाँ पर, अब कितनी हो गई है, अब यहाँ पर 8 लैंग्वेज ऐड करके टोटल मिलाकर 22 लैंग्वेज हो गई है। तो बाकी की जो 8 लैंग्वेज 8वें शेड्यूल में ऐड की गई है वो कौन सा संविधान संशोधन करके ऐड की गई है, अब ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, इतना कम से कम आप लोगों को खुद से करना है। ठीक है, तो बन गया ना पूरा का पूरा एक टॉपिक तैयार आप लोगों का पूरा क्वेश्चन, यहां से अगर कल को कोई पूछ ले तो कोई डाउट आप लोगों को नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो बेसिक चीजें थी, इसके बारे में आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी रखनी है आप लोगों को, तो इस तरीके से टॉपिक को तैयार करना है ताकि कल को कोई क्वेश्चन ही ना छूटे। ठीक है, ये काफी इंपोर्टेंट टॉपिक आप लोगों का यहां पर हो गया, जो कि काफी डिटेल में आप लोगों को पढ़ाया गया था। इसमें बात की जा रही है जीका वायरस के बारे में। तो जीका वायरस जो है वो सेम मच्छर ट्रांसमिट करता है जो कि यहां पर डेंगू ट्रांसमिट करता है। ठीक है, यानी कि डेंगू जिससे फैलता है उससे जीका वायरस फैलता है। सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है जीका वायरस, ये आप लोगों के सामने है बेसिकली। ये एक तरीके से यहां पर जीका वायरस जो होता है, तो यहां पर मैंने आप लोगों को बताया था कि बच्चे के जो सर का साइज है वो ऊपर नीचे हो जाता है, तो वो यहीं से निकल कर आया था। ठीक है, अगर यहां पर बात की जाए तो कौन सी स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है अगर बात करें। ए में बोला गया वन ओनली, बी बोला गया टू ओनली, सी बोला गया बोथ, और डी बोला गया नाइदर वन नो टू। तो सही आंसर क्या है, सही आंसर है यहां पर इसका सी। ठीक है, इतनी निकल गई जैसे कुछ नहीं।
तो सी आंसर इसका बिल्कुल सही आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये आप लोग यहां पर समझ सकते हैं, तो एंडीज स्पेसिस मॉस्किटो जो है वो यहां पर इसको फैलाने का काम करता है, ठीक है, तो इसके बारे में याद रखिएगा। और बाकी यहां पर ये सबसे पहले जीका फॉरेस्ट जो कि यहां पर कहां पर है, ये बेसिकली युगांडा के अंदर है, 1947 में पहली बार इसको आइडेंटिफाई किया गया था, तो यहीं से इसका नाम निकल कर लाया जाता है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, कोई भी क्वेश्चन आप लोगों का बेसिकली छूटना नहीं चाहिए। एक और क्वेश्चन है, वर्ल्ड मलेरिया डे जो है वो किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है, तो इसके बारे में आप लोगों को बताना है। तो यहां पर अप्रैल 23, अप्रैल 24, अप्रैल 25 या फिर अप्रैल 26, तो ऐसे क्वेश्चन भी आप लोगों से यहां पर डायरेक्ट एग्जाम में बन जाते हैं, तो इसके बारे में कोई डाउट आप लोगों को नहीं होना चाहिए। तो यहां पर डिटेल में आप लोगों से डिस्कस किया गया था यहां पर ये मलेरिया डे के बारे में, 25 अप्रैल को यहां पर सेलिब्रेट किया जाता है, और फोकस भी था कि कैसे हम लोग यहां पर इनोवेशन कर सकते हैं ताकि बीमारी को भी कम कर सकें और लोगों की जान भी बचा सकें, तो इसके बारे में डिटेल में डिस्कस किया था। सबसे पहले अफ्रीका में मलेरिया डे सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया था, फिर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी यहां पर बोलने लगी बड़ा अच्छा डे है यार, इसको तो हम भी अडेप्ट कर लेते हैं, और फिर इन्होंने भी यहां पर इसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया। तो इस तरीके से आप लोगों को समझ सकते हैं, तो यहां से क्वेश्चन आप लोगों के कई बार बन जाते हैं। बड़ा ही पिद्दी सा क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में पूछा गया, और 2016 का यहां पर ये टॉपिक था, 2019 में क्वेश्चन पूछा गया यूपीएससी के द्वारा। बात की जा रही है जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, ये अप्रैल 2016 में इंप्लीमेंट किया गया। तो यहां पर बेसिकली इंप्लीमेंटेशन अलग ही आगे हुआ, मतलब 2016 में आगे था, 18 में इंप्लीमेंट किया गया, 19 में क्वेश्चन पूछा, ठीक है। तो किसके द्वारा इसको बेसिकली इंप्लीमेंट किया गया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोपियन यूनियन या फिर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो ये काफी डिटेल में आप लोगों को मैंने डिस्कस किया था यहां पर, जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन जो है यहां पर जनता की डेटा को प्रोटेक्ट करने की बात की जा रही है, जनता को ज्यादा पावर दी गई है उनके डेटा को लेकर यहां पर, तो इसके चलते यहां पर काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बन गया था। तो अप्रैल 2016 में यहां पर इसके बारे में मैंने बात की थी कि आप लोगों के लिए यहां पर ये कानून लाया गया था यूरोपियन यूनियन के अंदर में, और फिर इसको इंप्लीमेंट किया गया। हमारी कंट्री में इससे रिलेटेड एक कमेटी बनाई गई है पर आज तक इंप्लीमेंट नहीं किया गया, जबकि ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में केस आ चुका है, केएस पुत्तास्वामी केस आप लोगों को पता है, वो केस ऑलरेडी आ चुका है पर अब तक चीजों को इंप्लीमेंट नहीं किया गया कि प्राइवेसी फंडामेंट राइट है, आर्टिकल 21 के अंदर आती है प्राइवेसी फंडामेंट राइट, ये भी अभी रिसेंटली 2021 में प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चन भी पूछ लिया गया आप लोगों से, ठीक है, पर लेकिन फिर भी अब तक जो है हमारी कंट्री में कानून नहीं बना है। तो ये ऐसे आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो कोई भी कंफ्यूजन माइंड में अगर होगा तो क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से आंसर नहीं कर पाओगे, और क्वेश्चन अच्छे से आंसर नहीं कर पाए तो फिर यार उस चीज का कोई मतलब बनता नहीं है। तो यानी टॉपिक को ऐसे तैयार करो ताकि कोई भी क्वेश्चन अगर आप लोगों के सामने है तो आप लोग उसको अच्छे से आंसर कर सको, इस तरीके से टॉपिक आप लोगों का तैयार होना चाहिए, ठीक है। तो ये थी कुछ बेसिक चीजें, मैं आशा करता हूं आप लोगों ने अच्छे से एक एक जो यहां पर पॉइंट है वो समझ रहे हो और कोई भी डाउट आप लोगों के मन में नहीं है। तो कितने क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों ने सही दिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा, और किस तरीके से आप लोगों को लग रहा है कि प्रिपरेशन आप लोगों की चल रही है या फिर आप लोगों को और इंप्रूव करने की जरूरत है तो ये भी बताना। यहां से जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, सारी पीडीएफ आप लोगों यहां पर इकट्ठी मिल जाती है। फीडबैक जरूर देना कि लेक्चर कैसा लगता है, उसके बारे में आप लोग बता सकते हैं, जैसा भी लेक्चर आप लोग लगता है अच्छा है बुरा कोई डाउट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग जरूर बताएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, तब तक अपना ध्यान रखिए, बड़ों का नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा, मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।